अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप जी का साडे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो अज वीडियो के डिस्कस करांगे द प्रोडक्टेड एस सी आर टी मोहाली का एक नवा अपडेट जनतक सूचना जो कि इन्होंने वैबसाइट पर अपडेट की है। जबकि ये जी अपडेट है इन्होंने 19 अपडेट की है, बट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ये 11 ठीक है जी तरीक की पा दी है। सो ये है कि यह दसिया कि जोड़ा एग्जाम होया ठीक है जी पीसटेट का 2018 का इन्हों जे सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर में आ गए हैं ठीक है जी। उतों तुम डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी लेट अपडेट किया इन्होंने ठीक है जी। लेकिन ये जरा अपडेट आप काफ़ी टाइम पहले अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट किया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों प्रॉब्लम्स आ रही। की प्रॉब्लम्स है, किमें डाउनलोड करना है, पहले पूरा प्रोसैस दस दिना थानू मैं। उस तो बाद अगर डाउनलोड नहीं कर पा रहे वह फर्दर प्रोसैस की होगी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। तो उस लिए एक तो इन्हों का लिंक है जी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की, तुम वैबसाइट पर चले जाओ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वैबसाइट पर जाके इतने तुम्हें एक लिंक मिलेगा ठीक है जी डिजी लॉकर का। या तो तुम ये तो डिजी लॉकर थ्रू क्लिक कर लो या डायरैक्टली तुम डिजी लॉकर की वैबसाइट ओपन कर लो। सेम प्रोसैस हैगा जी वैबसाइट में ओपन करन का जितों तुम अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। सो इतने वैबसाइट है ओपन हो रही है। ये सब तो पहले तो जरा आधार कार्ड नंबर है तुहाडे फोन नंबर के नाल लिंक होना चाहिए। अगर तुहाडा आधार कार्ड नंबर तुहाडे फोन नंबर के नाल लिंक नहीं है तो तुहाडा सर्टिफिकेट नहीं डाउनलोड होना। सो सब तो पहले तुसी की करना है, तुसी सुविधा सेंटर जाके अपना आधार कार्ड नंबर जरा अपने फोन नंबर नाल लिंक करवा लेना। विद इन वीक तुहाडा फोन नंबर लिंक हो जाता, उस तो बाद तुसी साइन अप करना है। अगर तुम पहले तो साइन अप किया हो ठीक है, साइन अप करने वास्ते इतने डिटेल्स चाहिए जिसमें तुम्हारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, डेटा एक्यूरेट होनी चाहिए सारी, तुम्हारा जेंडर 6 डिजिट इतने पिन होना चाहिए, ईमेल आईडी ठीक है जी, प्लस आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर कंपलसरी है जी। सो ये डिटेल वगैरह सारिया फिल करके तुम रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने बाद साइन इन पर क्लिक करना, जो तुम साइन इन पर क्लिक करते हो उस तो बाद इतने तुम्हारा आधार कार्ड नंबर पूछता है जी, तुम आधार कार्ड नंबर फिल कर देना ठीक है जी। आप आधार कार्ड नंबर फिल कर दें इतनी, उस तो बाद तुम इतने एम पिन पूछा जाऊगा, तुम एम पिन दे देना और साइन इन कर लेना। अगर तुम एम पिन नहीं पता नीचे लिंक बनया हों ठीक है जी फॉरगेट एम पिन, तुम उत्ते क्लिक करके उन्होंने की तुम कर सकते हो, उतो तुम रिकवर कर सकते हो। बट आ देखो फोन नंबर जरूरी है, हरेक डिटेल ताकि फोन नंबर पर जाऊगी, ताकि फोन नंबर से लास्ट नंबर शो करेगा। उस तो बाद करना इतने फिल कर देना जिहड़ा तुहानू ओ टी पी आया, ओ टी पी नाल दे नाल ही आ जांदा है। ये जिहड़ा ओ टी पी है तुहाडा 10 मिनट तक वैलिड रहिंदा है ठीक है जी, उस तो बाद ऑटोमैटिक एक्सपायर हो जाता है। उस तो बाद आ देखो जो मैं इतने ओ टी पी फिल किया तो डिजी लॉकर के साइन इन हो गए हैं। हुण मेन गल आती है कि तुसी अपना सर्टिफिकेट कितों डाउनलोड करना है, और जिहड़ा एरर आता है याद रखियो उहदा मैं सोल्यूशन वीडियो लास्ट भी दसना है। सो ये तुहाडा डिजी लॉकर ओपन हो गया, ये तुसी अपना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का जिहड़ा सर्टिफिकेट है वह देखना है। आ देखो 1002 ठीक है इंस्टीट्यूट ऑर्गनाइजेशन है, तुसी की करना डैशबोर्ड पर जाना है, अदरवाइज डायरैक्टली कई बार इशू डॉकूमेंट भी आ जाता है या इतों तुसी इशू डॉकूमेंट भी जा सकते हो। फिलहाल आप डैशबोर्ड पर जाने, डैशबोर्ड पर जाके टॉप पर एक सर्च बार इनेबल हो जाऊगा ठीक है जी। टॉप पर ताडा एक सर्च बार आ जाता है, अगर नहीं है तो तुम एक बार फिर तो क्लिक कर लेना। इतने आप एक बार देख लें, नैट थोड़ा जहा स्लो है मेरा, इस करके थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। चलो आप गैट इशू डॉकूमेंट क्लिक कर लें, तुम गैट इशू डॉकूमेंट पर क्लिक करना है। नैक्सट आडा इतने इंस्टीट्यूशनस आऊंगी सारिया जड़िया डिजी लॉकर थ्रू तुम्हें सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर दी, तुम इतने फिल कर लेना टीचर ठीक है जी। आ देखो टीचर आ रहा, मैं टीचर फिल किया, सर्च किया कोई नहीं है, तुम भर देना स्टेट काउंसिल ठीक है जी। एस सी आर टी तुम्हें पता है स्टेट, आप स्टेट फिल करता। हम इतने देखते हैं स्टेट काउंसिल कड़ी है, देखो काफ़ी ज़्यादा इतने है। देखो सर्च बॉक्स आ गया, मैं सर्च बॉक्स की गल करता पाया सी, आ देखो सर्च बॉक्स आ गया, इतने तुसी टीचर फिल कर दो बिकॉज टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। देखो यह दिल्ली का, दिल्ली का, दिल्ली का, आ है जी पंजाब का, आपां पंजाब का चाहिए, पंजाब के उपर क्लिक कर देना ठीक है जी। क्लिक करन तो बाद मैं तुहानू एक गल क्लेरीफाई कर दें, इतने सिर्फ 2018 के सर्टिफिकेट्स मिलोगे, इस तो पुराने नहीं मिलोगे बिकॉज इन्नी हले एडवांसमेंट नहीं की साडे पंजाब ने कि पुराने सर्टिफिकेट्स भी पा दे, सिर्फ 2018 के, वह भी नहीं इन्होंने प्रॉपरली डाउनलोड हो रहे। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वास्ते तो मैं एक वीडियो पाई सी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 10th और 12th के सर्टिफिकेट, वो बच्चों के डाउनलोड ही नहीं हुए, बच्चों के इन्ने बेचारे बच्चे खज्जल होए
स्कूल गए, स्कूल वाले भी हथ खड़े कर देंगे जी नहीं जी आप कुछ नहीं कर सकते। सो वो बेचारे बच्चों को बोर्ड ही जाके वो लैके आने पे। आ देखो जी ऑटोमेटिक बच्चे का नाम आ जाऊगा इतने, ताडा स्टेट काउंसिल आ जाऊगा, ठीक है जी, एस सी आर टी पंजाब, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है तुम्हें पता है। उस तो बाद रोल नंबर चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ईयर चाहिए, ईयर भी सिर्फ ताडा 2000, ठीक है जी, 18 ही आऊगा, देखो दसे होया इतने। उस तो बाद पेपर 1 है, पेपर 2 है, ये तुम सारी चीज़ फिल करके इतने क्लिक करके गैट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना। मेरे को डिटेल्स नहीं है इस करके मैं सिर्फ तुम्हें प्रोसैस दसिया है। जो तुम तो क्लिक करोगे इतने एक मैसेज आ जाएगा ग्रीन कलर का कि ताडा सर्टिफिकेट जोड़ा वो डाउनलोड हो गया। उस तो बाद की करना है इशूड डॉक्यूमेंट्स में जाना है, उस तो बाद इतने भी सर्टिफिकेट आ जाएगा। देखो जिदा मेरे डॉक्यूमेंट्स है तुम तो PDF पर क्लिक करना है वो डॉक्यूमेंट जोड़ा है डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन इतने एरर मैसेज आता कि ताडा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है नहीं, अनेबल टू डाउनलोड, देर आर सो मैनी एरर्स आते हैं। पहला सोल्यूशन की है, उन्होंने मेल करो, मेल कि करनी है बोर्ड को कि सर साडा जिहड़ा सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर तो डाउनलोड नहीं हो रहा। अगर सोल्यूशन नहीं हुंदा तुसी साडे थ्रू भी सर्टिफिकेट अपना डाउनलोड करवा सकते हो PDF फॉर्म दे विच, ठीक है जी। वो फर्दर प्रोसैस तुहानू की है वो तुसी वीडियो दे डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तुसी मेरा व्हाट्सएप ते बाकी फर्दर गलबात कर लेनी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਲਈਏ ਡੀਜੀ ਲੋਕਰ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਚੱਲੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋਬਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਟ ਜੋ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੀਟੈਟ ਦੀ, ਸੀਟੈਟ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜੀ ਲੋਕਰ 'ਚੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ PTET ਦੀ, PSTET ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਫਰਦਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੀਡੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਗਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ, ਸੋ ਡੈਟ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਨੀਡੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਸੋ ਡੈਟ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਫੋਰ ਯੂਰ ਅਵੇਲੇਬਲ